सो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने वाले हैं चिकन कोफ्ता इन वाइट ग्रेवी, वन ऑफ द क्विकेस्ट रेसिपी। और इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इसमें बस जो आपका प्रिपरेशन होता है वो कोफ्तों का होता है और ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा। ऑयल में मैंने अपने जो कोफ्ते बनाए हुए थे वो हल्का फ्राई करूँगी मैं इसको, क्योंकि वे ऑलरेडी क्या कहते हैं, ये सॉफ्ट हैं, बॉयल्ड हैं, तो इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। बस इतना कुक करना है कि इसके ऊपर हल्का सा रेडिश टच आ जाए जो देखने में अच्छा लगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं। हम इसी ऑयल में लिक्विड पेस्ट ऑफ जिंजर एंड गार्लिक लेंगे। उसको फ्राई करने के बाद हम इसमें डालेंगे गरी, खसखस और जायफल का पेस्ट और थोड़ा सा क्रीम का पेस्ट। डालने के बाद इसमें केचप और सॉल्ट डाल के इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि इसका ऑयल बहुत अच्छी तरीके से निकला है, क्योंकि हमने और ऑयल ऐड नहीं किया है, हमको उसी ऑयल में बनाना है। आप अगर चाहें तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा बटर इसमें डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बटर भी डाला था इसमें। और क्या कहते हैं, यहाँ पास हमने मिल्क डाल के इसको डबल भुनाई करी है, ताकि इसकी अच्छी सी जो कच्चापन है वो निकल जाए और अच्छे सा एक टेक्सचर और टेस्ट आ जाए, स्मूथ टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पास देखिए हमने अपना कोफ्ते डाल दिए हैं। अब हमने इसके ऊपर डाली है कसूरी मिर्च जो ऑलरेडी मैंने रोस्ट करी हुई थी, और क्रीम डाल के इसको मैंने अच्छे से स्टर कर लिया है। क्रीम डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, बस इसकी गैस ऑफ करके हमें इसको ढक के 1 या 2 मिनट के लिए रखना है, ताकि वो अच्छा सा उसके अंदर स्मूथ टेक्सचर बन जाए। यहाँ पर देखिए हम सर्व कर रहे हैं, और प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाएं और मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें। और फटाफट और रेसिपीज़ जानने के लिए आप मेरा चैनल को और मेरी रेसिपीज़ को ब्राउज कर सकते हैं। मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करना भूल गई, मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड करी थी जब केचप ऐड किया था, और उसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। ब्लैक पेपर का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल के आता है और ये बहुत ही टेस्टी हो जाती है, क्योंकि इसमें हम लोग हरी मिर्च नहीं यूज़ करते हैं, तो वो ग्रेवी को एक अच्छा सा टेस्ट देती है। ये एक ऐसी रेसिपी है कि आप कभी भी आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो तो ये फ़ौरन फटाफट बन के तैयार हो जाती है विद बोनलेस चिकन, और लोगों को भी और गेस्ट को भी बहुत पसंद आती है। प्लस आपके फैमिलीज़ में भी बहुत लोग पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर्स रेसिपी होती है। और प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ और भी देखें जो फटाफट बन के तैयार हो जाती है, बहुत ही इजी, बहुत ही क्विक और विद हेल्थ। और प्लीज़ मेरी वीडियोस देखना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।